ये तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं गा रहा हूँ मतलब कब से मैंने गाना शुरू किया मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है हाँ ये बात है कि इस लाइन में आया तब जब मैं रांची चला गया इंटर इंटर की पढ़ाई पूरी करने में रांची चला गया तो रांची में वहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह देख के ऑर्केस्ट्रा का माहौल देख के मुझे गाने का मन किया कि मैं रिकॉर्डिंग करवाऊँ तो रांची में ही एक स्टूडियो था एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बड़ा नाम था पहले ब्लू पापा एंड पार्टी उनके यहाँ मैंने गाया और उन्हीं के स्टूडियो मैंने रिकॉर्ड किया ये 83 की बात है तो यूँ समझ लीजिए कि एटी से मैं रिकॉर्डिंग की दुनिया में आ गया और तब से चल रहा है देखिए मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बड़ा आसान लगता है मुझे और सिंगिंग में क्या है कि आपको रिदम पे गाना है आपको सुर में गाना है तो थोड़ा सा वो मुश्किल है इतना आसान नहीं है कि आप सुर में भी रहें और रिदम में भी रहें तो एक्टिंग से थोड़ा सा मुश्किल है सिंगिंग उसके बाद आवाज़ को भी बहुत मेंटेन करके रखना है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए रियाज होते रहना चाहिए थोड़ा उससे आसान लगता है एक्टिंग मुझे ऐसे एक्टिंग भी मैं बहुत आसान नहीं समझता हूँ लेकिन मुझे एक्टिंग थोड़ा सा आसान है जी अभी भी मेरी फिल्म आई लाडली और इसके बाद एक्चुअली मैं जब से फिल्म में आया हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रिएशन नहीं है लोग बस आते हैं किसी फिल्म का सीडी लेके इसका रीमेक करना या बोलेंगे उसका रीमेक करना उसका रीमेक करना है मुझे ये सुन के ही बहुत बुरा लगता है कि मैं कोई रीमेक करूं तो मेरी इच्छा रहती है कि कुछ अपना क्रिएशन हो और इसके लिए मैंने दो दो तीन वर्षों से लगभग मैंने काम कम किया हुआ है या बंद किया हुआ है कि मैं कुछ अच्छी फिल्म करूं ऐसी फिल्म करूं जिसको कि पूरी फैमिली आए देखने जैसे भोजपुरी फिल्मों पर यह भी इल्जाम लगता है कि हम लोग बहुत लो ग्रेड की फिल्म बनाते हैं रिक्शा वालों के लिए फ़िल्म बनाते हैं तो प्रोड्यूसर तो ये सोचते हैं कि भाई हमें पैसा आना चाहिए और हमारे जो दर्शक हैं वो निम्न स्तर के लोग हैं वही लोग आते हैं हॉल पे लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छे घर के भी लोग आए मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसको परिवार के साथ लोग देखने आए और हर फिल्म में एक मैसेज दूँ यानी कि आजकल के आमिर खान आमिर खान स्टाइल में कि फिल्म पूरा मनोरंजन हो लोगों को बहुत मज़ा आए गाने में खूब इंजॉय करें लोग हंसें और लास्ट में उनको जब वो हॉल से बाहर जाए तो उनके दिमाग पे एक छाप छूटे कि मैंने क्या मैसेज दिया तो मैं अब हर फिल्म एक मैसेज लिए कर एक मैसेज वाली फिल्म करना चाहता हूँ इसके लिए मेरी बहुत जल्द एक फ़िल्म मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने होम प्रोडक्शन में जिसका नाम होगा प्यार के बुखार अब प्यार के बुखार आ, लगता तो बिल्कुल है कि इसमें कोई मैसेज नहीं होगा लेकिन चूँकि जो हमारे पारंपरिक जो दर्शक हैं जिनको इस तरह की फिल्में पसंद आती है मैंने नाम उनके टाइप का रखा लेकिन फिल्म में बड़ा मैसेज होगा आ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म आएगी तो भोजपुरी को तो छोड़ दीजिए हिंदी वाले भी इस मैसेज पर अभी तक नहीं काम किया है मैं ऐसी फिल्म अभी लाने जा रहा हूँ अभी गाने पे काम चल रहा है गाने की रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है और मुझे लगता है कि अभी तो एक आध महीने बाद आ, मौसम ऐसा हो जाएगा कि जहाँ हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे जाड़े के मौसम में शूटिंग संभव नहीं तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर में मैं शूटिंग शुरू करूँगा और बिल्कुल अच्छे समय पे यानी कि होली के बाद फिल्म हमारी आ जाएगी समाज सेवा में मैं, मैं देखिए मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि जो ही मैंने पहली फिल्म साइन की चार फिल्म में मैंने साइन की थी चलत मुसाफिर मोहलियोरे हो, हो गेलबा प्यार उड़निया वाली से बेटी भैिल परदेसी और जुलमी संग अखियालड़ी ये चार फिल्म मैंने एक साथ साइन की थी और मेरी सेकंड फिल्म की शूटिंग यानी हो गेलबा प्यार उड़निया वाली से पीछे सिल्वर जुबली हुई पिक्चर वो लेकिन उसकी शूटिंग चल ही रही थी और मेरे गाँव का घर का घेराव करके लोगों ने मेरी वाइफ को जिला पार्षद बना दिया विकास के मुद्दे पर बनाया क्योंकि हमारा जो गाँव है वहाँ आज भी सड़क नहीं है बिजली नहीं है तो विकास के मुद्दे पे लोगों ने मेरी पत्नी को जिला पार्षद बनाया तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए लड़ाई करूं और मैडम के जिला पार्षद बनते ही हमारी फिल्म ओ हो गए प्यार उढ़िया वाली की शूटिंग चल ही रही थी और मैं अप, अपनी धर्म पत्नी को लेकर निकल पड़ा पद में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैंने डिमांड किया कि खगड़िया जो है हमारे ज़िला वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है उसको लोग फरकिया कहते हैं फरकिया मतलब टोडरमल ने उसको फ़र्क कर दिया था यानी कि वहाँ पर लगान वगैरह लेने के लिए नहीं पहुँच पाते थे तो उसको बोले ये फ़र्क किया फ़र्क किया तो फ़र्क किया उसका नाम ही पड़ गया फ़र्क किया तो टोडरमल ने जो फर्क फ़र्क कर दिया वो आज तक किसी शासक ने उसको साथ नहीं किया मैंने इसी को मुद्दा बनाया कि नीतीश कुमार जी आप जहाँ भी जाते हैं कहीं पाँच हज़ार करोड़ कहीं पाँच सौ करोड़ कहीं हज़ार करोड़ देते हैं पैकेज और खगड़िया को उन्होंने सिर्फ तेईस करोड़ का एक पुल दिया था तो मैंने इसको मुद्दा बना के कि खगड़िया को भी पैकेज दीजिए हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो मैंने विकास के मुद्दों को हमने आ, उठाया और पदयात्रा सह भिक्षाटन करते हुए भीख मांगते हुए मैं नीतीश कुमार जी के पास पहुँचा भिक्षाटन में मुझे अंठावन हज़ार आए थे वहाँ से लेके पटना तक और मैंने अंठावन हज़ार रुपये लेके देखिए मैंने विकास के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ ये अठावन हज़ार रुपया इसमें क्या होगा तो उन्होंने खगड़िया को साढ़े सात सौ करोड़ का पैकेज उस टाइम घोषणा की थी लेकिन बाद में क्षेत्र में जाकर उन्होंने तीन करोड़ दिया तो ये ये बात है दो सात की ना 2007 की 26 जनवरी 2007 से मैंने पदयात्रा की शुरुआत की थी तो बस उसी टाइम मैंने 2006 में हमने फिल्म साइन की और मेरी फिल्म मैं मैं पदयात्रा कर रहा था और मेरी फिल्म सिल्वर जुबली हो रही थी तो कुछ पत्रकारों ने पूछा भी हमसे कि लोग लोगों का जब डाउनफॉल शुरू होता है तब लोग राजनीति में आते हैं आपकी फिल्म सिल्वर जुबली हो रही है पहली फिल्म आपकी सिल्वर जुबली हो रही है और आप पदयात्रा हैं तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मतलब सब कुछ खत्म होने के बाद राजनीति में आया है मैं फिल्म लाइन में भी उठ रहा हूँ और राजनीति में भी तो उस टाइम से समाज सेवा का ना एक चस्का लग गया अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म बनाने वाले बहुत हैं एक्टर बहुत हैं लेकिन उनका दुख दर्द बांटने वाले लोग नहीं हैं पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करते हैं वो तो बस कुछ ऐसा करेंगे कि जात पात में बांट के वोट लेने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है आपने सुना होगा कि 19 अगस्त को खगड़िया के धमारा घाट में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई और उसमें सैंतीस लोगों को मतलब सैंतीस लोग कट गए ट्रेन में लेकिन पुष्टि हुई अट्ठाईस लोगों की तो मुझे उसी उसी दिन आ, 19 तारीख को ही मैं रात को 11 बजे वहाँ पहुँच गया और 20 तारीख से मैंने धरना दिया एक दिन मैंने धरना दिया डेढ़ दिन का धरना दिया 19 तारीख को दोपहर के बाद 21 तारीख को दोपहर के बाद हमने मैंने अनशन करना शुरू कर दिया तो 21 से लेकर 28 तारीख तक हमारा अनशन चला उसमें हमने सरकार से डिमांड किया था कि वो जो स्टेशन है धमारा घाट वहाँ पर आज भी सड़क नहीं है वो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है ट्रेन चलती है और वो भी अंग्रेजों ने ट्रेन चलाई थी उसके बाद आप समझ लीजिए हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद अभी तक वहाँ कोई विकास नहीं हुआ ये जो अपने सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी इन्होंने भी सड़क वड़क नहीं दी तो मुझे अच्छा दूसरी बात एक बार एटी वन में वहाँ पे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी पूरी ट्रेन ही पुल के नीचे गिर गई थी तो उस टाइम इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने जाके वहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि जल्द से जल्द यहाँ वो सड़क मार्ग से इस इस जगह को जोड़ा जाए और समझ लीजिए कि इंदिरा जी के टाइम जो घोषणा हुई आज तक सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं तो मैं जाके अनसन पे बैठा और मैंने कहा कि अब घोषणाओं से काम नहीं चलेगा जब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी मैं यहाँ से हटूँगा नहीं लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप अभी बंद कर दीजिए उठ जाइए हम लोग शुरू करेंगे तो मैंने कहा नहीं और भी कि आश्रितों को दस दस लाख रुपया मिले उसका एक सरकारी नौकरी मिले तो सब और वहाँ पे आज भी धमारा घाट जो स्टेशन है वहाँ पे वो पार करने के लिए जो फुट ओवर ब्रिज होता है वो नहीं है और सिर्फ ट्रेन मतलब तीन ट्रैक हैं दोनों तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ का तो हमने इसको मुद्दा बना के जब आठ दिनों का अनशन समाप्त किया तो बाकी तो रेल पे स्टेशन पे और सब काम शुरू हो गया है लेकिन वो जो सड़क मार्ग से जोड़ने की बात है तो उसके लिए उन्होंने छः महीने का समय लिया क्योंकि बारिश का मौसम है तो हम लोग छः महीने के अंदर शुरू कर देंगे काम बाकी काम चल रहा है जबकि वहाँ पर माँ कात्यायनी का एक स्थान है जो सिद्धपीठ है बहुत भीड़ होती है वो जो कटे थे वो यात्री थे और उस दिन मंडे को बहुत भीड़ होती है वहाँ सावन का पिछला लास्ट सोमवार था तो उसको मुद्दा बना के हमने ये किया मुझे बड़ी शांति मिलती है जब वहाँ से लोग अभी अखबार में भी आया लोगों ने वहाँ के लोगों ने धन्यवाद दिया और अपार जन सैलाब उमड़ा मेरे फेवर में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद मैंने क्या किया तुरंत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया खगड़िया से लेकर कटिहार तक और कटिहार में जाके मुझे पता चला कि ये बाढ़ जब भी आती है मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ का वो सामग्री बंटवा देते हैं लेकिन ये स्थायी समाधान तो नहीं है ना और मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ का स्थायी समाधान होना चाहिए तो इसको मुद्दा बना के मैं बहुत ही जल्द आ, हाई डैम निर्माण के लिए बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए हाई डैम निर्माण के लिए मैं जल्द ही तीन दिनों का धरना दूंगा वही जोगबनी के आसपास यानी सुपौल जो हिंदुस्तान और बिहार का हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर है जहाँ पे हाई डैम निर्माण होना है वहाँ पर मैं दो तीन तीन दिनों का धरना दूंगा और बहुत ही जल्द मैं सरकार से डिमांड करने वाला हूँ कि हाई डैम का निर्माण किया जाए तो मुझे अच्छा लगता है अभी अक्टूबर में ही उन्नीस अक्टूबर से तीस अक्टूबर तक अन्ना जी का कार्यक्रम है बिहार में उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप साथ में रहिए तो मैं उनके साथ भी रहूँगा तो समाज सेवा में रहना भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ गाना गाने के साथ फिल्म करने के साथ देखिए ऐसा है कि ये जो है मैं मैंने कहा कि आपको 83 से मैं गाना गा रहा हूँ और टी सीरीज में मैं, आ, मैं, मैं मुझे 28 साल हो गए हिंदुस्तान की नंबर एक कंपनी है लोग आते हैं दो चार पाँच साल रहते हैं चले जाते हैं मैं 28 सालों से सुपर कैसेट्स में हूँ तो मुझे ना एक आइडिया है कि पब्लिक क्या पसंद करती है फास्ट रिदम होना चाहिए जिसमें पब्लिक नाचे और गाने का बोल ऐसा होना चाहिए जो एक बार लोग सुने और उसको याद हो जाए मेरे गाने को के ना बहुत ज़्यादा दिमाग उसको खर्चा नहीं करना पड़ता है याद करने के लिए एक बार मेरा बोल सुनेगा और पब्लिक को तुरंत गाना का बोल याद हो जाएगा और पब्लिक गाने लगती है मेरे गाने को तो मैं ये इस इसी फंडा के साथ इसी मतलब अपने इसी सिद्धांत के तहत मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ और आज अट्ठाईस सालों से काम कर रहा हूँ आज मेरे साथ मेरा बेटा भी टी सीरीज मंगा रहा है ये बहुत खुशकिस्मती है आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे चाहने वालों का प्यार है कि आज मैं अपने बेटे के साथ टी सीरीज मंगा रहा हूँ ये जो गीत है तो इसमें तो पांच अंतरे हैं और पूरे बिहार में घूम घूम के मैंने इसकी शूटिंग की है मेरे जीवन का सबसे अच्छा एल्बम एक हिसाब से कहा जाए क्योंकि मैंने 20 दिनों तक पूरे बिहार में कैमरा ले जाके खुद ही शूटिंग किया इसकी और बिहार जिस वजह से सौ पे भारी है उन तमाम बातों की चर्चा मैंने इस एल्बम में और इस गीत लेकिन इसी एल्बम अब देखिए इसका मैंने नाम रखा एक बिहारी सौ पे भारी लेकिन इसी एल्बम में एक गीत है बल्कि एल्बम का पहला गीत है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हर आदमी के मोबाइल में गीत है तो क्यों वैसे गाने को लोग पसंद करते हैं इस तरह के गाने जिसे लोग कहते हैं कि कई बार की आप लोग मन भोजपुरी में अश्लील गाने चलते हैं गाना तो हम लोग सब तरह का गाते हैं लेकिन पब्लिक उस तरह के गानों को मैं अश्लील गानों की बात नहीं करूंगा कि अश्लील गानों को पब्लिक पसंद करती है लेकिन मार्केट डिमांड जो गाने होते हैं उसको पब्लिक बहुत पसंद करती है तभी जो मैं एक गीत सुनाऊंगा इसी एल्बम का पहला गीत हम लोग दोनों मिलके गाए हैं बाप बेटा वो जितने लोग एल्बम खरीद रहे हैं वही लोग सुन रहे हैं कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि ये गीत बहुत अच्छा है एक बिहारी सौपारी तो मतलब ऐसे ही बोला कि मार्केट डिमांड जो है तो मैं क्या करता हूँ उन्हें हर एल्बम में एक आध गाने ऐसा रखता हूँ जो बहुत अच्छे लोग पसंद करें उससे एल्बम का लेवल भी हाई रहे बाकी ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो उस तरह के गाने पसंद करते हैं लड़की पटाले बेटा टाइप के गाने तृप्ति शाकिया जी के साथ मैंने पहली बार एक एल्बम किया जिसका नाम था प्यार के बुखार तृप्ति जी को मैंने कहीं सुना था और इससे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि 83 से ही मैं गाना गा रहा हूँ तो पहले मैं भोजपुरी गाता था तो भोजपुरी में मुझे आशातीत सफलता नहीं मिली तो मुझे बुरे वक्त में अपनी जो भाषा अप, बोली अंगिका जो हम लोग बोलते हैं तो उसकी मुझे याद आई कि अंगिका में हम कुछ काम करते हैं तो अंगिका में डेढ़ साल तक मैंने मेहनत किया और डेढ़ साल के मेहनत के बाद एक एल्बम बनाया जिसका नाम था प्यार के बुखार उसमें एक गीत था जो हमने तृप्ति जी से गवाया था वो गाना बहुत हिट हुआ था एक्टर तो मैं ही रहूँगा मुख्य भूमिका मेरी रहेगी फिर उसके बाद आ, मैं ड्राइवर रहूँगा मेरा खलासी रहेगा शिवम बिहारी और हीरोइन के लिए अभी कई नामों पे चर्चा चल रही है जिसमें रानी चटर्जी का नाम सबसे ऊपर है और उसके बाद मोनालिसा जी का नाम सेकंड में मतलब रानी जी हो चाहे मोना ये हो इसमें से दो में से किसी एक हीरोइन को रखेंगे बाकी इसी तरह से मार्केट के भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उन्हीं लोगों को रखा जाएगा स्टोरी मैंने खुद लिखी है डायरेक्टर मैं मार्केट का बहुत अच्छा डायरेक्टर लूँगा जो बहुत अच्छा डायरेक्शन दे पाए क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि अंगिका या भोजपुरी में एक मैसेज वाली फिल्म आ रही है तो मुझे समझदार डायरेक्टर भी चाहिए तो डायरेक्टर का भी आ, मोटा मोटी सिलेक्शन हो गया है